दोस्तों, मैं कपिल गुप्ता इंडियन हॉबी क्लब से। दोस्तों, हमारे पास एक इंक्वायरी इस तरह की आ रही है कि जैसे कि ये किताब है जो कि साईनाथ हडप्पा की है और ये हमारी किताब है, इन दोनों किताबों में क्या फ़र्क है। देखिए, मैं यही कहूँगा, दोनों किताबों में बहुत फ़र्क है। यदि आप एक कलेक्टर की चॉइस से लेंगे, आप इसमें आपको डिटेल भी मिलेगी, डाइवर्सिटी मिलेगी। देखिए, पहले हम सबसे पहले शुरुआत से देखते हैं कि दोनों किताबों में ब्रिटिश इंडिया की डिटेल मिलेगी आपको, ब्रिटिश इंडिया का प्राइस मिलेगा और ब्रिटिश इंडिया का, परंतु हमारी जो इनक्रेडिबल कॉइन्स ऑफ इंडिया है, इस किताब की क्या खासियत है, इसमें ब्रिटिश इंडिया की मिंटेज भी डाल रखी है जो कि अभी तक किसी भी किताब में नहीं है, और इसका डिटेल के साथ है, रानी की बस्ट की वैरायटी, पैनल की वैरायटी, या फिर ये कहोगे कि 1862 का जो डॉट वैरायटी है उसकी डिटेल भी हमने डाल रखी है। अभी तक आपने कोई भी ऐसी इंडिया की किताब नहीं देखी होगी जिसमें कि डॉट वैरायटी की डिटेल भी दे रखी है, और पैनल वैरायटी या बस वैरायटी सिर्फ उन्हीं किताबों में आती है जो कि स्पेशली ब्रिटिश इंडिया के ऊपर ही बनाई गई है, और मान के चले सिर्फ उन्हीं की किताब है जो ब्रिटिश इंडिया की किताबें हैं, जो कि जिसमें वो फिर प्राइस कैटलॉग नहीं होती, पर तो हमने जो किताब निकाली है उसमें प्राइस कैटलॉग भी है, डिटेल भी है और उनकी डाई वैरायटी भी है। ये हम बात कर रहे हैं ब्रिटिश इंडिया की। इसके अलावा यदि हम देखें हैं, हम रिपब्लिक इंडिया पे आते हैं, रिपब्लिक इंडिया में दोनों किताबों में प्राइस कैटलॉग है, चाहे आप इसको देखें चाहे इसको देखें, दोनों किताबों में प्राइस कैटलॉग है। और दोनों किताबों में क्या फ़र्क है, हमारी किताब में क्या है कि म्यूल एंड डाई वैरायटी को स्पेशली डिटेल दे की खासियत दे रखी है। म्यूल की अभी तक ऐसी कोई किताब नहीं निकली है जिसमें कि स्पेशली म्यूल के बारे में बताया गया हो कि म्यूल क्या होता है और इस तरह के सिक्कों में क्या डिटेल की कैसे पहचान होती है, या अशोक लॉयन की वैरायटी जो होती है डाई वैरायटी के बारे में बताया गया है, एच की वैरायटी के बारे में बताया गया है, ये अभी तक किसी किताब में नहीं गई। मैं किसी की किताब को गलत नहीं कह रहा कि उसकी किताब गलत है या सही है, लेकिन मैं अपनी किताब को बेहतर बता रहा हूँ जो कि अभी तक किसी किताब में नहीं है। ये इस किताब की स्पेशलिटी है, और इतना मैं जानता हूँ कि अभी तक हिंदुस्तान में ऐसी कोई किताब नहीं हुई जो कि एज वैरायटी, अशोक स्तंभ की वैरायटी या फिर म्यूल वैरायटी की कुछ किताबें निकली हैं, लेकिन उसमें भी कुछ गिनी चुनी ही म्यूल डाला गया है जो कि बहुत कम है। अभी तक ऐसी कोई किताब नहीं हुई। तो और एक हमारी किताब में क्या बेहतर है कि आपको जो प्राइस मिलेगा वो बिल्कुल ऐसा मिलेगा कि उसमें UNC कंडीशन का प्राइस है और उसी हिसाब से उसका रेट कैलकुलेट होता है। बहुत से लोगों ने उसकी कंडीशन के हिसाब से दे रखा है कि एक्स्ट्रा फाइन UNC हर कंडीशन का रेट दे रखा है, लेकिन उसमें क्या होता है, कस्टमर एक कन्फ्यूज़ हो जाता है कि कौन सी कंडीशन की हम बात कर रहे हैं। तो हमने जो भी प्राइस दे रखा है वो UNC का प्राइस है, उससे कस्टमर को कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। उससे क्या है, सिंगल प्राइस होता है तो आदमी के दिमाग में रहता है कि ये इस तरीके का रेट है। और बाकी हमारी किताब में क्या नहीं है, हमारी किताब में एक सिर्फ UNC सेट का नहीं है, UNC सेट की डिटेल नहीं है, जो कि हम कोशिश करेंगे आगे की किसी किताब में बनाएंगे। और इस तरह की कुछ और आप जानकारी देंगे तो हम उसमें ऐड करना चाहते हैं, तो आप लोगों का साथ चाहिए। और बाकी मैं फिर भी यही कहूँगा कि यदि आप एक कलेक्टर के नज़रिए से किताब लेना चाहते हैं या स्टडी के नज़र से किताब लेना चाहते हैं तो ये एक बेहतर किताब है, और अभी तक हिंदुस्तान में इससे बेहतर आपको किताब नहीं मिलेगी। ये मैं नहीं कह रहा, आप लोगों का प्यार ही कह रहा है जो कि हमारी किताब पसंद कर रहा है। तो ये किताब अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो और हमारी अपनी वेबसाइट पर भी मिलेगी। तो आपको कुछ भी इस बारे में जानकारी चाहिए हो तो कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिए या हमारे को कॉल कीजिए। धन्यवाद।